की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सा और आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज न्यूज। कोल्हान में देखने को मिल रहा है मां का दर्शन। आज मां वैष्णो देवी का दर्शन हो जाए तो आप इसे चमत्कार मानेंगे। बात यह है कि जम्मू कटरा में मां वैष्णो देवी का दरबार है, पर झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले टाटानगर से महज 35 किलोमीटर दूर गालूडी यानी कि घाटशिला रांची खड़गपुर मुख्य राजमार्ग NH 33 पर मां वैष्णो देवी विराजी है। यहां पर दूर दराज से श्रद्धालु मां के दर्शन व पूजा अर्चना करने मंदिर पहुंच रहे हैं और मां का दर्शन कर मांगे गए मन्नत भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो रही है। सबसे अनोखी मां की दिव्य ज्योति मां वैष्णो देवी से चलकर गालूडी स्थित मां के दरबार में अवस्थित है। वैसे मां के दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है। भव्य मंदिर और मां का स्वरूप के साथ मां वैष्णो देवी का दर्शन अब झारखंड के सरजमी पर भी लोग कर रहे हैं। जो भक्त मां के दरबार वैष्णो देवी नहीं गए, एक बार जरूर गालूडी स्थित मां वैष्णो देवी के दरबार आकर मां का आशीर्वाद प्राप्त करें। वैसे मंदिर का संचालन मां वैष्णो देवी मंदिर कमेटी जम्मू कटरा से की जा रही है। वैष्णो देवी मंदिर है, इनके मुख्य क्या क्या कारण है जो ये इतने बड़े भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है? आपका बहुत बहुत स्वागत है। RBN न्यूज और वाइस स्कोप न्यूज का बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे माता वैष्णो देवी धाम में पधारे। ये माता वैष्णो देवी धाम जमशेदपुर से लगभग 30 किलोमीटर के आनमान में आता है। तो यहाँ पर माता वैष्णो देवी धाम पिंडी स्वरूप में यहाँ पर विद्यमान है। साक्षात ज्वाला जी का रूप विशेषतया यहाँ पर श्रीयंत्र स्थापित है, वो अन्यत्र आपको कहीं मिलेगा नहीं। श्रीयंत्र सीधे तौर पर कहा जाए ये लक्ष्मी माँ का यंत्र है और ये अष्टधातु से निर्मित है। ऊपर से ग्रेनाइट के द्वारा बना गया है। ये दक्षिण भारत से यहाँ पर स्थापित किया गया था हमारे सभी गुरुदेव स्वरूप के द्वारा। और यहाँ पर विशेषतया इस मंदिर का बनने का सबसे बड़ा कारण ये था कि यहाँ बनाने वाले राजकिशोर साहू जी हैं, उन्होंने पूरे जमशेदपुर वासियों के सहयोग से और अपनी पूरी टीम वर्किंग के द्वारा और विशेषतया स्वामी श्री हिरानंद गिरी जी के मार्गदर्शन में ये माता वैष्णो देवी धाम बन करके आपके सामने जा रहे हैं। 21 अप्रैल 2022 को इसका लोकार्पण किया गया। वहाँ के माता वैष्णो देवी धाम के मुख्य पुजारी स्वर्गीय श्री अमित चंद जी के द्वारा, और उन्होंने सचमुच में यहाँ पर प्राण डाल दिए हैं। उसका फलस्वरूप आप सामने आपके सामने मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता क्या है यहाँ पर। और प्रतिदिन जहाँ पर वक्तों की एक मीडिया बंधुओं के माध्यम से या जहाँ पर आने वाले लोगों के मतलब कहते हैं ना कि हैंड टू हैंड वो जो जानकारी यहाँ पर जा रही है उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को, जितने भी मैं लोगों को दिन भर में पूछता हूँ तो वो लोग यही कहते हैं कि हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। तो उसमें से मतलब 70% लोग ऐसे होते हैं, 60-70% लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर विजिट कर रहे होते हैं। दूर दूर से यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को यही कहूँगा कि माँ भगवती का दर्शन यहाँ पर प्राकृतिक पिंडी रूप में जैसे कटरा भगवती में देखते हैं वैसे यहाँ पर देखते हैं। क्या आने वाले दिनों में यहाँ श्रद्धालु लोग आएंगे तो उनको भी सुविधा मिलेगी गेस्ट हाउस जैसा या धर्मशाला जैसा? अभी हमारी जो कोर टीम है उन्होंने यहाँ पर निर्णय लिया है, विशेषतया हमारे स्वामी श्री हिरानंद गिरी जी महाराज जी के जिनके मार्गदर्शन में मेरे गुरुदेव हैं, वो उनके ही निर्देशन से यहाँ पर सारा कार्य हो रहा है। सर्वप्रथम उनका यही अभी है कि यहाँ पर एक वैष्णो देवी की तरह, जैसे हम वैष्णो देवी कटरा में आप जाते हैं तो वहाँ पर एक निहारिका के रूप में आपको एक बहुत बढ़िया भव्य होटल कहा जाए, सराय कहा जाए, जहाँ एक ठहरने का साधन मिलता है, तो वो इस प्रकार की यहाँ सराय बनेगी। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज न्यूज। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।